सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। तो ये अगस्त ऋषि के शाप से इनका पुत्र जो है मारीच वो भी असुरत्व को प्राप्त हो गई, और जो ये यक्षिणी थी ताटका ये भी उनके शाप से असुरत्व को प्राप्त हो गई। तो जब ये इनका अगस्त ऋषि का भी वो सब उजाड़ने लगी और बहुत ज्यादा ये असुरत्व के ऊपर आरूढ़ हो गई, और सभी के जो भी यज्ञ आदि अनुष्ठान अच्छे कर्म होते उन सब में भी व्यवधान डालने लगी, तब विश्वामित्र इनकी हत्या के लिए श्री राम को लेकर के आए हैं। तो अब इन्होंने बताया कि अब हम उसके स्थान की तरफ ही बढ़ रहे हैं, इसी जंगल में वो रहती है, तो आप अपने धनुष बाण आदि सब तैयार करके और बिल्कुल अलर्ट सावधान रहें आप। तो इस राक्षसी को एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षीम, ये दुर्वृत्ति वाली बुरी वृत्ति वाली ये जो यक्षिणी है, परम दारुणाम भयंकर आचरण वाली ये जो यक्षिणी है, इसको दुष्ट पराक्रमाम, पराक्रम भी दो प्रकार का होता है, सुपराक्रम दुष्ट पराक्रम। आतंकवादी आदि हैं उनमें पराक्रम तो होता है, लेकिन वो कैसा पराक्रम है? दुष्ट पराक्रम है। तो यहां इसमें भी ताटका का भी पराक्रम कैसा है? दुष्ट पराक्रम। दुष्ट पराक्रमाम गो ब्राह्मण हितार्थाय, गो और ब्राह्मण आदि के हित के लिए। तो जो महापुरुष आते हैं वो गीता में भी ऐसे ही कहा, भगवान कृष्ण कब आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो यहाँ ब्राह्मण और गो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? साधुनाम, सज्जनों का। गाय पशुओं में सबसे सज्जन होती है, और ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर किसी जाति विशेष में पैदा होने वाला नहीं, ज्ञान से संपन्न व्यक्ति आत्मा। तो ये सबका हित करने वाले होते हैं, तो इनका हित फिर ईश्वर करता है। जो सबके हित में लगे रहते हैं उनका हित करना भगवान की जिम्मेदारी है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गो ब्राह्मण हितार्थाय। ऐसे भागवत में भी कृष्ण का जन्म जो है वो वहां यही शब्द पढ़ा, वहां भी गो ब्राह्मण हितार्थाय, गो और ब्राह्मण के हित के लिए। तो ये सभी जो दैवी शक्तियां होती हैं उनका प्रयोजन एक ही होता है, अलग अलग ग्रंथों में उसको अलग अलग शब्दों से कहा जाता है। तो जो दैवी संपदा है, दैवी शक्तियां हैं, उनका रक्षण करता है ईश्वर, और जो आसुरी शक्तियां हैं उनका संहार करता है, क्योंकि उसको अपने सृष्टि का रक्षण ही करना है। तो दुष्टों का संहार करने में ही उनका कल्याण है, दुष्टों का संहार करके भी वो कोई उनसे कोई बदला नहीं ले रहे हैं, कोई उनको सताने का प्रयोजन नहीं है ईश्वर का, वो भी अपने उस दुष्कर्म का फल भोग करके और आगे उससे वो
अपने रास्ते को बदल लें, वंचित हो जाएं, तो इसीलिए उनका संहार किसी ना किसी को निमित्त बना करके ईश्वर करवाता है। लेकिन ये ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दें, हम अपने हाथ में ईश्वर का कार्य ना लें। नहीं तो हर व्यक्ति क्या करने लगता है, अपने आप को सज्जन मानने लगता है, दूसरे को दुष्ट मानने लगता है, फिर बोले तो भगवान ने कहा ही है कि दुष्टों का तो नाश करना, ये तो भगवान का काम है, तो मैं भगवान का काम कर रहा हूं। तो भगवान का काम भगवान को करने दे। योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे तद्मह, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग कार्य है। तो जैसे कहा जाता है ना भाई, पुलिस का काम पुलिस को करने दो। जैसे मानो कोई अपराधी अपराध करते हुए पकड़ा गया और फिर कोई व्यक्ति उसकी पिटाई करता है, तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, भाई पुलिस खड़ी है, तुम कानून को हाथ में मत लो, कानून को अपना काम करने दो। तो ऐसे ही ईश्वर को अपना काम करने दो। आप ऐसे जान पूछ करके उसमें छलांग मत लगाओ। तो ये अपने आप ही ईश्वर ले आए ना उनको, राम लक्ष्मण तो खुद तो आए नहीं। तो विश्वामित्र का जाना, फिर उनसे आग्रह करना राजा के पास, तो कहीं राज्य में भी कहीं उत्पात हो रहा है, तो विश्वामित्र खुद भी तो मार ही सकते थे, तो इन्होंने खुद ना मार करके राजा को बताया कि देखो यहाँ उत्पात हो रहा है आपके राज्य में और उसको ठीक करना आपका काम है। तो बोले सेना ले जाओ। सेना क्यों ले जाओ, अपने वाले बच्चों को भेजो, सैनिक भी तो किसी के बच्चे हैं ही ना, तो आप अपने वालों को भेजो। तो कितनी अच्छी प्रथा है ये। तो इन्होंने कहा वो ब्राह्मण हितार्था है, और इतना ज्यादा दिव्यता भी नहीं है किसी भी आत्मा में जितनी दिव्यता श्री राम में है। नहीं तो इनके भी और दो भाई थे, उनको नहीं मांगा इन्होंने, इन्होंने राम को ही मांगा। भरत शत्रुघ्न आदि को भी मांग सकते थे, लक्ष्मण को भी नहीं मांगा। तो किसी विशेष शक्ति से ही किसी विरोधी शक्ति का नाश किया जा सकता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं और उसको भगवान उसी कार्य के लिए चुनता है। छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। लेकिन जो काम एक सुई से हो सकता है, वो तलवार से नहीं हो सकता है। जो तलवार से होने वाला, वो सुई से कभी नहीं हो सकता है। सबका अपना अपना महत्व है। एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षिम परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्था ये जही दुष्ट पराक्रमाम, दुष्ट पराक्रम वाली इस यक्षिणी को आप मार दीजिए जही। तो ये हमने पढ़ा था। तो कोई कुछ पूछना है पीछे का? जी बोलिए। प्रणाम दीदी जी। जो अगस्त्य ऋषि थे, तो वो तो सिद्ध ऋषि थे और उनको तो ये पता था ना, उनकी वाणी अमोघ हो गई है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो इसके पहले तो जो राक्षसी हो चुकी है, उसके पहले तो वो यक्षिणी थी, तो उन्होंने मतलब राक्षसी का ही क्यों वो दिया? अब तो वो और ज़्यादा वो उत्पात मचा दी, सबको परेशान कर दिया, तो फिर इससे तो और नुकसान ही हो गया। तो उस समय तो कोई और भी श्राप दिया जा सकता था, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? देवता बनने का शाप दे देते, ऐसे कह रहे हो आप? मतलब ऐसा हो सकता था कुछ ऐसे बोले कि वो शाप में वरदान होता है वो। तो अच्छा, आत्मा का उत्थान करने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। फिर ऐसे नहीं बांटा जाता है वरदान किसी को। किसी अगस्त ऋषि तो इतने बड़े ऋषि हैं, तो वो तो किसी को वरदान दें तो अच्छा है, लोक का भला होगा। तो उसमें पात्रता भी तो होनी चाहिए वरदान पाने की। भाई दिव्य जीवन ऐसे कोई खिलौना थोड़ी है, कोई ठीकवा थोड़ी है, किसी भी बच्चे को उठा के दे दिया खा लो ठीकवा। तो ये दिव्य जीवन, दिव्यता, वरदान प्राप्त करना, देवत्व को प्राप्त करना, जिसकी वाणी अमोघ हो गई, तो ऐसे तो बांटने लगे तो सब कोई कह दे तू भी धर्मात्मा बन जा, तू भी धर्मात्मा बन जा, ऐसे थोड़ी बांटते हैं। वो प्रसाद की तरह नहीं बांटते हैं, वो पात्र भी होना चाहिए सामने, उसी को ही कहते हैं। वाणी तो अमोघ हो गई, उनको पता है, लेकिन जिस आत्मा का जिसमें कल्याण है वैसा ही कहेंगे। इसके अंदर तो और ज्यादा मतलब दुर्गुण आ गए उस समय तो श्राप की वजह से, तो फिर तो कल्याण, अरे वो तो मतलब ऋषि को ही मारने के लिए दौड़ रही है, तो बताओ उसको तो दंड देना ही पड़ेगा ना।
जैसे वो क्या नाम था, भस्मासुर, उसने तपस्या करके तो भस्म करने का वरदान मांगा, और फिर मतलब ट्रायल बोले शिव जी पे आप भी कर लेते हैं पहले हैं? तो वो शिव जी के पीछे दौड़े। अरे भले आदमी जिससे वरदान पाया है उसको तो बकस कम से कम कहीं बाहर जाके कर ले, तो शिव जी चक्कर में पड़ गए बेचारे, वरदान तो दे दिया इसको, तो अब करें क्या। शिव जी आगे भाग रहे हैं, वो पीछे भाग रहा है कि आपके सिर पे हाथ रख के देखूंगा भस्म होता है कि नहीं होता है। तो वो तो देवी को पता चल गया, उनकी पत्नी ने सहायता कर दी, वो वहां आकर के कि भाई इसको छुड़ाएं कैसे। तो देवी को देखते ही मतलब वो थोड़ा सा ठहर गया, उसने अपने सिर पे ऐसे एक्शन किया हाथ रखने का, तो उसने भी उसको नकल करते हुए किया, अपने पे रखते खुद ही भस्म हो गया। किसी ना किसी तरह तो फिर इसको हटाना पड़ेगा ना। तो अब जो ऋषि की तरफ ही दौड़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपने ट्रैक से काफी उतर चुकी है, काफी उतर चुकी है। तो फिर तो उसका तो एक ही उपाय है, अपने कर्मों से ही मरेगी फिर वो। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि भाई जो बड़े लोग होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको वरदान या शाप भी थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि किसी को भी तो वरदान दे देते हैं। पहले तो ब्रह्मा ने वरदान दिया इसको 1,000 हाथियों का, उन्होंने भी ऐसे बिना सोचे समझे दे, किसी को भी दे देते हैं वरदान, फिर अभिशाप भी ऐसे ही दे देते हैं। ये तो है ही, बड़े लोग किसी को प्रतिष्ठित करते हैं या किसी को हटाते हैं, तो उन दोनों में ही सोचना तो चाहिए ही, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि बड़े लोग कई बार अयोग्य व्यक्ति को प्रतिष्ठित कर देते हैं, नुकसान होता है, फिर वरदान दे देते हैं तो, और कभी योग्य व्यक्ति को निकाल देते हैं, उससे भी नुकसान होता है। तो बड़े व्यक्ति की तो जिम्मेदारी होती है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं। अब वो कितना उन्होंने सोचा, अब महात्मा गांधी अगर दो भाग नहीं करते तो आज ये इतनी सारी मुसीबतें क्यों झेलनी पड़ती। पाकिस्तान वालों ने कितने भारत के बहनों के भाइयों को छीन दिया, कितनी पत्नियों के पतियों को छीन दिया, कितने बच्चों के पिताओं को छीन दिया, कितना ज्यादा नुकसान हुआ है जब से बना। निर्णय तो सोच समझ के लेना चाहिए, तो कभी कभी कर दे हो जाती है ऐसी भूल भी, देवों से भी, किसी को वरदान दे देते हैं, किसी को अभिशाप भी दे देते हैं ऐसे। जैसे वो इक्षुरी थी, उसके पास बहुत सारे बल थे, ऐसा भी मतलब हो सकता था कि तुम्हारे बल कम हो जाए, तुम्हारे पास शक्तियां ना रहें, इस तरह से तो शायद वो सामान्य हो नहीं जाती है नहीं तो। वो इम्पॉसिबल होगा ना, वो भी तो ब्रह्मा का दिया हुआ है, उसको ये कैसे काटेंगे अगस्त ऋषि। वो बल भी तो ब्रह्मा से पाए हैं ना, वो तो उनसे भी बड़े हैं ना ब्रह्मा, तो अगस्त से भी नहीं काट सकते हैं उसको। एक ही तरीका है भाई, तुम जो है असुरत्व को प्राप्त हो, और अपनी असुरता से आपका खुद ही नाश हो जाएगा फिर। होम दीदी, जी नहीं, निमित्त तो बनाता ही है, हो सकता नहीं 100% बनाता ही, निमित्त बना के ही करवाता है। निमित्त बनो बने होंगे तो कर लोगे आप, आपकी कोई योजना नहीं होगी उसमें, कोई योजना नहीं होती। आपके कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमने कोई योजना नहीं बनाई थी, और वो हो जाता है हमारे माध्यम से, अच्छे या बुरे काम में। एक तो व्यक्ति योजना ही बना के करता है, और ऐसे आपने देखा नहीं अपने जीवन में भी कि जी ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, करवा दिया भगवान ने, हो गए ऐसे। इन्होंने कौन सी योजना बनाई थी कि हम वहां जंगल में जाएंगे, ताटका को मारेंगे, अनायास उनका आना हो गया विश्वामित्र जी का। बच्चों को तो पता भी नहीं, इनके पिताजी बात कर रहे थे, तो इसको कहेंगे कि भगवान ने इनको निमित्त बनाया, नहीं तो ये तो बैठे ही थे अपने आराम से। हाँ, तो जाति और योनि एक ही बात है ना, पशु योनि मनुष्य योनि, पशु जाति मनुष्य जाति है। यश तो पति बोल सकते हैं,
हाँ ये भी हो सकता है मनुष्य जीवन में ही, मतलब इन मनुष्य शरीरों में जैसे देवता होते हैं, यक्ष भी होते हैं, तो एक पद का नाम भी हो सकता है जो ज्यादा बलवान है, और वहां पर इसको अलग जाति भी कहा है सांख्य दर्शन में। जैसे देवताओं का भी तो ऐसा ही है ना, तो देवत्व को कोई मनुष्य भी प्राप्त इसी योनि में कर लेता है, और देवों की एक अलग योनि भी है जो तेजस शरीर है उनका। जैसे राक्षस पिशाच कोई इस जीवन में भी हो ही जाता है, जो इतनी क्रूरताएं करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काट देते हैं या जो भी गाय को काट देते हैं, तो ये पिशाचत्व ही तो है खून पीना। और पिशाच एक योनि भी है, उनका वायवीय शरीर होता है। ठीक है, हाँ जी। एक प्रश्न और हम सोच रहे थे जी, ऐसे ये हम बोलते हैं कि सर्वबंधु सुखिना, सभी सुखी रहे जी, तो ये तो पॉसिबल तो नहीं है ना जी, क्योंकि पॉसिबल तो है, सभी सुखी रहेंगे तो कर्म फल व्यवस्था कैसे चलेगी जी? सभी सुखी हो सकते हैं ना, सभी अच्छे अच्छे कर्म करें तो पॉसिबिलिटी तो है, क्यों नहीं है। तो उसमें हम ऐसा भाव कैसे कर सकते हैं कि सभी को परमात्मा सद्बुद्धि दे ताकि वो बुरे काम, ये तो पॉसिबल है, इनकी बात सुन लो, कह रहे सद्बुद्धि तो पॉसिबल है पर सुखी होना पॉसिबल नहीं है। जब सद्बुद्धि होगी तो सुखी हो ही जाएंगे भले आदमी, और तो शब्द का ही तो अंतर हुआ कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दो, बोले ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपके कथनानुसार सबकी सद्बुद्धि हो जाएगी तो सुखी अपने आप ही हो जाएंगे, अंतर क्या है जी? और यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो व्यक्ति अपने चरित्र का परिचय दे रहा है ऐसा बोलने वाला जी। कोई व्यक्ति ऐसी भावना तो कर ही सकता है, क्योंकि ये इम्पोसिबल नहीं है ये ऐसा होना। तो जो पॉसिबल है, जो संभावित है, तो उसके बारे में अपने मन में विचार लाना, तो ये तो अपने चरित्र का परिचय देना है। अब कोई व्यक्ति कहे कि सब दुखी हो जाएं, तो दुखी तो सब पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, पर उस व्यक्ति के चरित्र का तो पता चल ही रहा है ना कि उसकी भावना क्या है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं। तो ये जो प्रार्थना है ये किसी ऋषि किसी योगी के हृदय से निकली हुई है कि भगवान जी ऐसी कृपा करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, ताकि मतलब सब ऐसे अच्छे अच्छे काम करें तो सुखी हो जाएंगे, सबकी बुद्धि अच्छी हो। तो उनकी होगी कि नहीं होगी, इसकी तो हो ही रही है ना अच्छे सोचने से, तो अच्छा ही सोचना चाहिए। हमें अच्छे काम क्यों करने चाहिए, सेवा क्यों करनी चाहिए, भलाई क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसको करने से मेरे जीवन का तो कल्याण हो ही जाएगा, संसार का तो जितना थोड़ा बहुत होगा हो जाएगा, पूरा तो हो नहीं पाएगा। तो कितने यहाँ पर, अब कुछ लोग तो इसीलिए भलाई नहीं करते, बोल जी यहाँ पर राम आए, कृष्ण आए, पांडव आए, देशभक्त आए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे राष्ट्रभक्त आए जिन्होंने अपना जीवन ही न्योछावर कर दिया, तब भी देश तो सुधरा नहीं, तो हम क्यों फालतू में देशभक्ति करें? हमारे से भी क्या हो जाएगा जब इतनों से नहीं हुआ? अरे भाई उनका हुआ या नहीं हुआ, पर जो चढ़ गए फांसी पे उनका तो कल्याण हो गया ना। तो व्यक्ति जो भी करता है आध्यात्मिक दृष्टि से वो सब अपनी आत्मा के सुख के लिए करता है। तो किसी को भलाई करके सुख मिलता है इसलिए भलाई करते हैं, किसी को बुराई करके सुख मिलता है इसलिए बुराई करते हैं। तो जो भी व्यक्ति चेष्टा करता है, थोड़ी पलक भी झपकता है अगर कोई व्यक्ति छोटी से छोटी चेष्टा भी करता है, तो उसके पीछे उसका अपना सुख छिपा होता है, उसके लिए करता है वो अच्छा या बुरा काम। तो इसलिए यदि हमें अपना कल्याण चाहिए तो हमें ऐसे ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे भाव रखने ही चाहिए अपने हृदय में। तो अच्छे काम इसलिए करने चाहिए जी ताकि सबसे पहले मेरा उद्धार हो जी, तो बाद में होगा। और दूसरों का भी होता है, वो भावनाएं जाती हैं उनके पास भी जाती हैं, पर अपना तो पहले करना ही है कम से कम जी। धन्यवाद जी। ओम दीदी जी, वो संध्या का प्रश्न, दीदी जी कल उसको पढ़ रहा था, अर्थ पढ़ रहा था संध्या का, तो उसमें लिखा कि प्राणायाम करते समय नासिका को स्पर्श ना करें, तो कौन से अर्थ संजय? संध्या जो शाम की होती है। अच्छा, संध्या होती है वो, संध्या नहीं,
संध्या, तो उसने लिखा था कि संध्या, संध्या, संध्या को संध्या क्यों कहते हैं? संध्या क्यों संध्या कहते हैं उसको? किसका संधि काल, वही पूछ रही हूँ। दिन और रात का, वही है कि उसमें लिखा था कि प्राणायाम करते समय हाथ से नासिका को स्पर्श ना करें, तो इसका फंडा कहाँ लिखा था ये भाई? ये किसी की पुस्तक जो है लिखी हुई हिंदी में, वो उस व्यक्ति का विचार हो सकता है, किसी शास्त्र का वचन है तो बताओ उस पे, फिर पूछेंगे किसी विद्वान से। एक नई किताब, वो नित्य कर, किताब तो ज्यादा प्रामाणिक नहीं होता है, शास्त्र प्रामाणिक है, ऋषियों के वचन जो है ना, मंत्र में कहीं ऐसे आया है, कोई शास्त्र का वचन है, शब्द प्रमाण है, तो उस पे विचार करेंगे फिर, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो बाह्य प्राणायाम करने के लिए कहा होगा, नहीं तो वो व्यक्ति नाक कोई पकड़ के हिलाता रहे उसमें, उसको करने के लिए तो बोला बाह्य प्राणायाम, लेकिन हाथ से बाह्य प्राणायाम, हाँ उसको करने, बाह्य प्राणायाम में तो जरूरत ही नहीं है नासिका को पकड़ने की, जरूरत क्या है? प्राणायाम तो ये ठीक ही लिखा है फिर, ये तो अनुलोम विलोम है जिसमें नासिका पकड़ी जाती है, प्राणायाम नहीं कहलाता, प्राणायाम में नहीं आता मतलब। कौन, अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है? नहीं है ये, ओहो अनुलोम विलोम प्राणायाम ही है, किसने बोला नहीं है? तो यही तो पूछना चाहता हूँ कि इसको करने के लिए फिर क्यों मना किया? क्योंकि वहां बाह्य प्राणायाम करना है उस समय, सारा सारे अंग प्रत्यंग को स्थिर करके, हाथ आदि को, और केवल बाह्य प्राणायाम कर, प्राण की एक्सरसाइज करनी, हाथ पैरों की नहीं करनी है, वो आप योगा अभ्यास के समय कर सकते हैं, इसलिए कहा, तो शरीर में स्थिरता आए ना, इसलिए मना किया। ओम दीदी, दीदी तेजस शरीर और वायव्य शरीर के बारे में और बता दो कुछ। अभी इतना ही लिखा है वहां पे, जो लिखा उतना मैं बता रही हूँ सांख्यकारिका में। जैसे अब दीदी देवता, जैसे कोई जल देवता माने, तो अब एक तेजस शरीर, जल देवता, जल तो भूत है एक पंचभूतों में, तो भूत भी अपने आप में हमारी, हमारे को देते हैं इस रूप में, देवता है। तो ये जो देवता देवो दानात तेजस शरीर वाले देवता बताएं दीदी, ये क्या इनका काम? योनी है वो, देव योनी, और उनका शरीर कैसा होता है? तेजस शरीर होता है, सांख्यकारिका में आया है ये। और पिशाच तो वायवीय शरीर होता है, बहुत सारे होते होंगे वो भी, है ना? बहुत सारे होते हैं। तो इसके बारे में पिशाच का, जब जो बुरे कर्म करते हैं वो अलग अलग योनियों में जाते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, तो उनमें एक योनी ये भी है, तो इनके पास बल तो होता है, लेकिन वो बल केवल किसी का नुकसान कर सकते हैं, वो फायदा नहीं कर सकते, ऐसी योनी है वो। तो ये पिशाच दीदी, फिर ऋषि दयानंद जी ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, जब भूतों का वो वर्णन कर रहे थे, कह रहे थे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल सिरे से नकारा है। तो वो सांख्यकारिका को आप अप्रामाणिक मानो फिर, क्योंकि दर्शनों को तो प्रामाणिक माना ऋषि दयानंद ने, कारिका को भी प्रामाणिक माना। तो पिशाचों को माने या ना माने दीदी, वो आपकी मर्जी है तो दोनों जगह के प्रमाण आपके सामने है। चलो आगे पढ़ते हैं। नह्येनाम शाप सृष्टाम कश्चित् उत्सहते पुमान् निहन्तुम् त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन नहि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्याहितार्थं हि कर्तव्यं राजसूनुना नृशंसं मनृशंसं वा प्रजा रक्षणकारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। नहि एनां शाप सृष्टां कश्चित् उत्सहते पुमान, करें ये जो शाप से संसृष्ट, संसृष्ट मतलब लिपटी हुई युक्त, जिसको शाप लग गया है, ऐसी इस ताटका को, इस दुर्वृत्ता को, नहि एनाम इसको कश्चित उत्सहते पुमान, किसी भी तरह इसके ऊपर कोई दया मत करना। निहंतुम त्रिषु लोकेशु, क्योंकि एनाम निहंतुम इसको मारने के लिए, त्रिषु लोकेशु तीनों लोकों में, त्वाम रीते रघुनंदन न उत्सहते कश्चित,
त्वामृते, तुम्हारे बिना और कोई भी इस काम को न उत्सहते, कोई कर नहीं सकता है। ये इतने ज्यादा बलशालिनी है कि तीनों लोकों में इसको आपके सिवाय और कोई मार नहीं सकता है। तो कभी कभी एक एक सामर्थ्य किसी एक एक व्यक्ति के पास होती है। आज आयुर्वेद या योग के ऊपर जो रिसर्च हो रहे हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं, और ये सत्य भी है, कि भाई पतंजलि योगपीठ के अलावा किसी के पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इतने साइंटिस्ट नहीं है, इतना धन नहीं है जो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। ये केवल पतंजलि ही कर सकता है। तो एक सामर्थ्य दी है भगवान ने, तो करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा खर्चा आता है। तो यहां इनको राम को ही क्यों लाए हैं ये मारने के लिए, कि आपके पास ही वो बल है जो आप इसको मार सकते हैं। एनाम निहंतुम त्रिशु लोकेशु त्वामृते रघुनंदना न कश्चित उत्सहते पुमान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष इसको मार नहीं सकता है आपके अलावा। तो इसलिए आप यदि दया दिखाएंगे तो ये कभी मरेगी नहीं फिर, और मरना तो जरूरी है सबको, तो इसलिए आप इसको मार दीजिए।